अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बताएंगे कि गूगल सर्च इंजन को कैसे डिफॉल्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा याहू सर्च अभी डिफॉल्ट है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ सर्च कर लेता हूँ मैं, इंडियन नेशनल फ्लैग। तो जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो ये गूगल से सर्च नहीं होता है, देखिए ये सर्च होता है याहू से, राइट साइड में आप लोग देख सकते हो। तो अभी याहू को हटा के यहाँ पर हम लोग गूगल सर्च इंजन को डिफॉल्ट करेंगे ताकि सब कुछ गूगल से सर्च हो जाए। तो उससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग से मोहब्बत करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अभी चलते हैं इसको कैसे गूगल को कैसे डिफॉल्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर की राइट साइड में जो थ्री डॉट है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, यह सबको सेटिंग्स पर जाना होगा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए सर्च इंजन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ से आपको मैनेज सर्च इंजिन एंड साइट सर्च है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत सारा सर्च इंजिन आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ से हम लोग गूगल जो है इसको अभी डिफॉल्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा डिफॉल्ट अभी याहू है। तो गूगल को डिफॉल्ट करने के लिए गूगल की राइट कॉर्नर पे जो थ्री डॉट है यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ से मेक डिफॉल्ट पर क्लिक करना होगा। अभी देखिए गूगल डिफॉल्ट हो गया है। और अगर आप चाहते हो जितना भी यहाँ पर सर्च इंजन इसको डिलीट भी कर सकते हो, अगर ज़रूरत नहीं है तो डिलीट कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक भी सर्च इंजन नहीं रखूँगा, सिर्फ गूगल को ही रखूँगा और बाकी को डिलीट कर दूँगा। और जैसे ही दोस्तों आप डिलीट करते हो, डिलीट करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना होगा, जो क्रोम ब्राउज़र है इसको कम्प्लीटली क्लोज करना होगा। इसको कम्प्लीटली अभी क्लोज कर देता हूँ मैं। कम्प्लीटली क्लोज करने के बाद में दोस्तों आपको फिर से क्रोम ब्राउजर को खोलना होगा। यहाँ पर देखिए मैंने क्लोज कर दिया है, अभी फिर से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर दिया है। अभी यहाँ पर मैं कुछ सर्च कर लेते हो, आई लव माई इंडिया, मैं मेरा देश इंडिया से मोहब्बत करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर गूगल सर्च इनेबल हो गया है और हमारा सर्च इंजन भी गूगल हो गया है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।